हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आई क्यू में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 13 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। दर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये अभी आंध्र प्रदेश के अंदर कई सारे लोग यहाँ पर बीमार हो गए थे। तो ये बताया गया है यहाँ पर जाँच में कि चावल में पारे की मात्रा बढ़ने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तो ये पहले भी न्यूज़ के बारे में आ चुकी है, तकरीबन 500 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे। तो उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। ये चावल में पारे की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पारा यानी कि मरकरी से बोलते हैं। ये एक एलिमेंट है जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, हवा पानी मिट्टी तीनों में ही मौजूद रहता है मरकरी। लेकिन यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा पहुंच जाती है तो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है ये मरकरी, ये पारा। तो ये इसकी खास बात है, यदि ज़्यादा पहुंच जाता है बॉडी में हमारी। इसके संबंध में एक मिनामाता बीमारी है जो कि जापान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी और कई सारे लोगों की जान चली गई थी इसमें। मिनामाता कन्वेंशन हुआ था 2013 में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मिनामाता बीमारी और मिनामाता कन्वेंशन। और मरकरी प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है हवा पानी मिट्टी में और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है विजय दिवस की। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को हुआ क्या था कि 1971 में, यानी कि 16 दिसंबर बात की जा रही है 1971 वर्ष की। तो उस समय क्या होता था कि जो पाकिस्तान है उसका एक हिस्सा होता था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बोलते थे, इसका नाम था बांग्लादेश, अभी इसका नाम हो गया है। 1971 के बाद से ये बांग्लादेश बन गया है, उससे पहले हम इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। उस समय लड़ाई हुई थी, भारत उसको लड़ाई को जीत गया था। तो ये विजय दिवस मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में, 16 दिसंबर को। तो भारत की पाकिस्तान की जीत के ऊपर ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम ज्योग्राफी का फैक्ट देखते हैं, ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जितने भी देश सीमा शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में, उनमें भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो वो देश भी बांग्लादेश है। तो भारत की सबसे लंबी जो सीमा है इस प्रकार से वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये अभी चल रहे हैं कुछ चीज़ें, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ काम प्रोग्राम किए जा रहे हैं जो PSF है राजस्थान के अंदर, वहाँ से न्यूज़ें निकल कर आ रही है। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, तो यहाँ प्रदेश को मिल सकता है चौथा टाइगर रिजर्व, ये बात की जा रही है चौथे टाइगर रिजर्व की। 3 टाइगर रिजर्व और कौन से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रामगढ़ विषधारी ये अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, यानी कि नेशनल पार्क नहीं है, ये एक सेंचुरी है। और कहाँ स्थित है, बूंदी के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थित है। इसकी बात चल रही है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये देखिए आप, एक पिक्चर है बड़ी सुंदर, यहाँ पे ये है टाइगर और ये जिप्सीज खड़ी हुई हैं। ये नज़ारा है रणथंभौर नेशनल पार्क का। अब आप देखिए कि कितना क्लोज चला गया है यहाँ पे टाइगर, तो क्या हालत होती होगी इन लोगों की जब टाइगर इतने पास आपके आ जाता है, आप समझ सकते हैं। तो ये एरोहेड है, एरोहेड यानी कि टाइगर का नाम है, उसकी बेटी है सिद्धि। तो ये है फीमेल टाइगर है, ये यहाँ पर जिप्सी के पास चली गई, क्लोज चली गई है। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा बन जाता है, समझ सकते हैं आप कि आपकी सांसें थम जाएंगी अगर टाइगर इस प्रकार से आपके एकदम क्लोज आ जाता है। तो यदि आपको मौका मिलता है तो रणथंभौर नेशनल पार्क जरूर घूमिएगा, अच्छी जगह है। जोगी महल के बारे में आपको पता होना चाहिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में पता होना चाहिए, रणथंभौर से ही संबंधित है ये दोनों की दोनों चीज़ें। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है असम से। तो जंगली हाथी ने मचाया वहाँ पर उत्पात और एक व्यक्ति की हो गई है मौत। तो ये बात की गई है करीमगंज की। तो करीमगंज की बात की गई है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असम की जब बात आती है तो बड़ा ही फेमस एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य के अंदर है, यहाँ पर एक सींग गेंडा मिलता है, एक सींग वाला गेंडा, इसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। इंडेंजर स्पीसीज है एक सींग वाला गेंडा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ नए इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं आईटी सेक्टर में, इंटरनेट की दुनिया में। तो ये क्या बात की गई है कि अब जो ईमेल आईडी है, अभी तक हम इंग्लिश में ईमेल आईडी बनाते थे अपनी, सारी की सारी इंग्लिश में हुआ करती थी, लेकिन भारत के अंदर, भारत विश्व में ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, या हम कह सकते हैं अनुसूचित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं भारत में अनुसूचित हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, अब उनमें भी ईमेल आईडी बनाई जा सकेंगी। तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ये जो काम किया गया, ये किया गया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और राजस्थान की एक कंपनी है,
इन दोनों के द्वारा मिलकर के ये काम किया गया है कि आप 22 भाषाओं में अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। यदि आपको कोई ईमेल आईडी बनानी होती है तो उसके लिए आपको लेनी पड़ती है होस्टिंग, तब होस्टिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप ईमेल आईडी अपनी क्रिएट करते हो किस किस नाम से। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर डोमेन का पंजीकरण जैसे ही आप करते हो जो होस्टिंग पर, तो आपको सरकार जो है क्षेत्रीय भाषा में ईमेल आईडी फ्री देगी। मतलब आप समझ सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में आपको फ्री ईमेल आईडी देगी, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब की सभी जो भाषाएं हैं ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो कि अपनी जो 22 भाषाएं हैं अनुसूचित जो 22 भाषाएं उनमें ये शामिल हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या इंग्लिश 22 भाषाओं में शामिल है? हमारे जो संविधान में अनुसूचित जो भाषाएं हैं उनमें इंग्लिश भी शामिल है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को जल्दी से। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो अभी हिंदी में, हिंदी के अलावा कई और अन्य भाषाओं में भी आप ईमेल आईडी बना सकेंगे, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टैगोर की। तो टैगोर के पैतृक आवास का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, ये कोलकाता की बात की जा रही है, कोलकाता न्यूज आ रही है ये। तो ये इनका पैतृक आवास बांग्लादेश के अंदर है, अभी हम बात करके चुके हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो पूरा है 1971 में बांग्लादेश बना, उससे पहले पाकिस्तान था, लेकिन 1947 से पहले पूरा ही भारत था ये, जब अनडिवाइड नहीं हुआ था। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों ही एक ही चीज़ थी, ये सारा पूरा का पूरा मतलब अखंड भारत था एक प्रकार से उस वक्त ये, लेकिन उसके बाद फिर ये बंटवारे हो गए थे। तो ये बात की जा रही है बांग्लादेश की। तो उनका पैतृक निवास जो है टैगोर साहब का वहाँ पे है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी, और जब इनको उपाधि दी है गांधी जी ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कुछ उपाधि दी होगी। तो गांधी जी को दी थी महात्मा की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे इंसान है जिनको भारत में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। तो भारत में पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। अब इन्होंने दो राष्ट्रगान लिखे हैं, यानी कि नेशनल एंथम जनगण मन तो भारत का है, और अमार सोनार बंगला ये कहाँ का है? ये बांग्लादेश का है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके पिताजी का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा की किसने स्थापना की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय के देहांत होने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो संभाला था। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ब्रह्म समाज जो है उसका नेतृत्व भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियाँ इंपॉर्टेंट, गीतांजलि और काबुलीवाला, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, प्रश्न इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब हम देख लेते हैं कि 12 दिसंबर को कुछ एक न्यूज़ आई थी, ये एक्चुअली इस वाले न्यूज़पेपर में एडिशनल में आई नहीं थी, तो मैंने अलग से कहीं से लिया है ये। तो बात की गई थी भिवाड़ी में ग्रीन फील्ड कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, उसके लिए परमिशन मिल गई है भिवाड़ी के अंदर। सबसे पहली बात कि ग्रीन फील्ड क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से करना है, मतलब आपको लैंड लेनी है वहाँ पे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है पूरा का पूरा, ये होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी आपके पास ज़मीन है, कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आपको तो बस इसे एक बार से रीस्टार्ट करना है। मतलब थोड़ा बहुत आपको एक बोलते ना कि एक तो आप नया मकान बनाइए और एक पुराना मकान बनाइए, तो आपको पुराने मकान में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको रिनोवेशन करा के आप पुराना मकान स्टार्ट, आप रहने भी लग जाते हो उसमें, लेकिन नया मकान आपको लैंड भी खरीदनी है, नींव बनानी है उसकी, उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन कराना होता है। तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं आप ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। अब है कार्गो एयरपोर्ट। कार्गो का मतलब है कि इसमें सवारी जो होती है, पैसेंजर नहीं जाएंगे इसमें, यहाँ पे बनाया गया है ये माल के लिए स्पेशली। आपको पता होगा DMIC जो कॉरिडोर बनाया गया है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो उसको बूस्ट करेगा ये कार्गो एयरपोर्ट, इसीलिए बनाया गया है यहाँ पे भिवाड़ी के अंदर, क्योंकि ये एरिया वहाँ पे टच करता है DMIC वाला जो एरिया है। तो कार्गो एयरपोर्ट के थ्रू कई सारी चीज़ें जाएंगी भारत से, आएंगी, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें होंगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि सामान की मतलब आवक जावक बढ़ जाएगी उसके कारण। तो ये ग्रीन फील्ड कार्गो एयरपोर्ट भिवाड़ी के अंदर बनेगा, इसको परमिशन मिल गई है। इसके अलावा एक जेवर एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर, उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये भी आप मेरे को बताइए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है जेवर एयरपोर्ट। ये कुछ रिक्रूटमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं इनके लिए।
तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जैसे कि आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप एक और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसका नाम है राजस्थान वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट गार्ड और वनपाल की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इनकी तैयारी भी आप साथ साथ कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है, केवल 20-25% के चेंजेज होंगे, तो आप उनको बाद में आप तैयारी कर लीजिएगा। पटवारी के साथ बड़े आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके फॉर्म ओपन हो गए हैं, तो आप RSMSSB की साइट पर जाकर के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है ये भी फॉरेस्ट का जो है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे, तो उसके लिए भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिलेबस आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्टेट लेवल का कुछ ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं है, महज मेरे हिसाब से 3-5% चीज़ें होंगी स्टेट लेवल की, 5% के आसपास होंगी। अदरवाइज पूरा इंडिया लेवल का GK आता है उसके अंदर। जैसे कि यदि आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, तो RAS की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो वैकेंसी निकली हुई है वहाँ पे, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा साइट पर जाकर के, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं। आप अपनी तैयारी के साथ इनको एक प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें जब भी आप एग्जाम देते हैं, तो इस प्रकार से आपकी नॉलेज बूस्ट भी होती है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।